सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कराने वाला हूं, जिसके दर्शन मात्र से लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और बहुत सारे लोग दूर दूर से अपनी मनोकामना को लेके इस मंदिर में आते हैं। तो फिलहाल जिस एड्रेस में मैं हूँ उसका नाम है टिकरा पारा, और इस तालाब के बारे में बात करूँ तो इस तालाब का नाम है नरैया तालाब। देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है और तालाब भी बहुत ही मस्त है। देख सकते हैं सुबह शाम यहाँ मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं स्वयंभू श्री नरहरेश्वर महादेव के नाम से ये जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। स्वयंभू के बारे में मैं आपको बता दूं, स्वयंभू का मतलब होता है धरती से निकला हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, ये बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जो है सुबह और शाम मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। साथ ही शिव जी बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ के, जो भी इनके दर्शन कर लेते हैं दर्शन मात्र से उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको छोटे छोटे मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको राधा कृष्ण के दर्शन होंगे, तो आप भगवान से जो भी मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं गणेश जी है, हनुमान जी है, साथ में शिवलिंग है, ये आप देख सकते हैं नंदी जी है। और आगे बढ़ते हैं, मैं और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ रिद्धि सिद्धि लिखा हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं भगवान के आप दर्शन कीजिए। यहाँ आपको दो शेर नज़र आएंगे और यहाँ से हम अंदर चलते हैं। यहाँ आपको बहुत सारे छोटे छोटे चित्रकारी दिखाई देंगे, बहुत ही फेमस मंदिर है, दर्शन मात्र से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। तो इसलिए आप कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। यहाँ आप देख सकते हैं गणेश जी आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आप इस साइड देख सकते हैं, तो यहाँ जो है तालाब का जो नज़ारा है खिड़की से आप देख सकते हैं, राम जी है, सीता माता है, इसके अलावा हनुमान जी है। और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी आपको अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे, विष्णु जी है और लक्ष्मी माता है। तो चलिए फिलहाल हम अंदर चलते हैं। अंदर में मैं आपको बता दूं, हर सावन के महीने में अखंड रामायण का पाठ होता है। तो आप दर्शन कर रहे हैं स्वयंभू शिवलिंग के, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ भी अभी दिया जल रहा है और लोग यहाँ पाठ करते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। तो आप भगवान के दर्शन कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं नंदी जी, और यहाँ आप देख सकते हैं अखंड पाठ हो रहा है। मैं आपको बता दूं हर सावन में अखंड पाठ होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं शिव जी है, ऊपर में आप देख सकते हैं ये मंदिर के बाहर का नज़ारा तो मैंने आपको दिखाया, ये अंदर का नज़ारा है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ शिव जी के आप दर्शन कीजिए। और इसके अलावा गणेश जी है, ऊपर में त्रिशूल में आप देख सकते हैं सूर्य जी के भी दर्शन आपको होने वाली है। पार्वती माता है, ये आप देख सकते हैं पार्वती माता भी आपको दिखाई देने वाली है। ये मूर्ति जो है स्वयंभू है। मैं आपको फिर से बता दूं, दर्शन मात्र से सभी लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये है बाहर का नज़ारा, तो खिड़की से आप बाहर का दृश्य भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर आपको दिखाई देंगे। तो ये आप देख सकते हैं संतोषी माता के दर्शन आपको होने वाले हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।